पूरे सिस्टम के थोड़ा ना उनके ही करना क्या है कि पैसे भी काम करके पैसा जितना मर्जी लाओ, लेकिन अगर सिस्टम जो करना चाहिए मेन आपकी बीटी का जून जून नहीं आपका राम नगर जो शुरू हो गया ना आज से नहीं हुआ है, आज चार दिन हो गए। नहीं वो तो ऐसे ही चलता है, बीटी का कब शुरू होगा? 15 से हाँ 15 प्रायोरिटी से शुरू होकर जड़ी प्रायोरिटी वाली रवि जी, आपको पता है कि पहले भी सीवरेज की कमेटी बनाई गई थी, उसमें चेयरमैन मुझे बनाया गया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो हमारे मेंबर्स थे उन्होंने रिज़ाइन दे दिया, तो कमेटी को डिसॉल्व किया गया। उन्होंने उस वक्त ऑर्डर निकला कि नए मेंबर उसमें फाइनेंशियल ईयर में रखे जाएंगे और दोबारा कमेटी को बनाया जाएगा, तो दोबारा कमेटी बनी है। तो आज हम रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं। सबसे पहले मैं उधमपुर वासियों को ये बताना चाहता हूँ कि रिव्यू में सबसे पहले जो एक देवका के अंदर जितने भी कुंड बने हुए हैं, पानी का जो मेन इशू जो था कि देवका का जो जल है, जल को लेके हम लेटर एक पीएमओ जो हमारे राज्य के मंत्री हैं पीएमओ में बैठे हुए हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनको लिखेंगे और एलजी साहब को लिखेंगे और चीफ सेक्रेटरी को लिखेंगे। कापी उनकी एलजी साहब को जाएगी और एक कापी जो है चीफ सेक्रेटरी को जाएगी। ये हम लेटर भेजेंगे कि ये जो जल का जो मेन इशू है, क्योंकि आपको पता है कि लोग कई बार कहते हैं कि इसमें देवका के अंदर डुबकी लगे और जो इसका जल है गंगा जल जो है, गंगा जल हम घर के लेके जाएँ वो पिए भी वहाँ से, और उसी को लेके हमने चिट्ठी हम भेजने वाले हैं। और उसके साथ साथ जितनी भी हमारी एसटीपी का हमने रिव्यू लिया कि एसटीपी कितनी बनी है, फर्स्ट कितनी बनी है, सेकंड कितना बना है, इसका काम की प्रोग्रेस को लेके आईपीएस इनका इन्होंने अभी बताया कि एक जो पेंडिंग जो है 8 का काम लगा हुआ है, एक पेंडिंग जो है देवका के अंदर जो, और जितनी भी रिस्टोरेशन है, खासकर मैं शहर की बात करूँ, शहर के अंदर जो सीके ट्रेडर्स ने काम किया हुआ है उनको हमने सख्त हिदायत दे दी है, 15 से वो बीटी शुरू कर देंगे और जल्दी आपको लगेगा कि जो जितने भी इन्होंने काम किया है सीके ट्रेडर्स ने, तो जल्दी आपको लगेगा कि ये शहर जो है शहर के अंदर बीटी हो जाएगी और शहर उसी तरीके से दोबारा दिखना शुरू हो जाएगा। हिदायत से काम करेंगे और जून तक जो इनका एक टारगेट दिया हुआ है कि जून तक शहर को सही तरीके से पूरा जो काम कम्प्लीट करना है, तो जून तक हमने टारगेट दिया है, तो उम्मीद करते हैं कि जून तक जो है काम कम्प्लीट होगा।